वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं, तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के जेनिफर के साथ हुए रेप और टॉर्चर से, और यह सब जेनिफर अपने सपने में देख रही थी। इस घटना को बहुत समय हो गया था, उन रेपिस्टों को जेनिफर ने खुद अपने हाथों से सजा दी थी, लेकिन आज तक उस भयानक घटना को वो चाहकर भी नहीं भूल पाई थी, और वो घटना उसका सपना बनकर उसे हर रोज डराती थी। जेनिफर ये सब भूलने के लिए एक साइकेट्रिस्ट से थेरेपी भी ले रही थी। वो थेरेपिस्ट उसे रेप के बाद की उसकी लाइफ के बारे में बताने को कहती है। जेनिफर उसे बताने लगती है कि रेप के बाद से किसी भी मर्द के उसके सामने होने से वो नर्वस फील करने लगती है, चाहे फिर वो कोई पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो। और जेनिफर ने अपनी पिछली लाइफ से भागने के लिए अपना नाम जेनिफर से एंजेला कर लिया था। उसके ऑफिस में एक लड़का था जिसका नाम मैथ्यू था, और वो जेनिफर को पसंद करता था। वो उससे बातें भी करना चाहता था, पर जेनिफर अब सभी लड़कों को उन रेपिस्ट की तरह ही देखती थी। वो उन पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। जेनिफर कभी भी ठीक से मैथ्यू से बातें नहीं करती थी। जेनिफर मर्दों पर विश्वास करे भी तो कैसे, अगर वो किसी होमलेस आदमी की मदद भी करती थी तो वो होमलेस आदमी भी उसे बुरी नज़र से देखता था। अब एक दिन जेनिफर जब जॉगिंग कर रही थी तो कुछ लड़के उसके घर पर आकर उससे बदतमीजी से बातें करने लगते हैं, और थोड़ी देर के लिए वो ऐसा इमेजिन करती है कि उन लड़कों को उसने उन रेपिस्टों की तरह मार दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वहाँ से उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। ऑफिस से घर जाते समय बस का वेट करते हुए जेनिफर को एक नोटिस दिखाई देता है, जहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर में रेप विक्टिम मिलकर अपनी अपनी स्टोरी शेयर करके एक दूसरे का सहारा बन सकती थी। और अगले दिन जेनिफर वहीं पर जाती है जहाँ पे कुछ रेप विक्टिम और उनके कुछ परिवार वाले आए हुए थे। उस कम्युनिटी की एक लीडर भी थी जिसका नाम लीन था। सभी विक्टिमों का यही मानना था कि रेपिस्ट को कभी भी आसान मौत की सजा नहीं मिलना चाहिए। लड़कियां जैसे रेप के समय तड़पती है, वैसे ही उनको भी पूरी लाइफ तड़पने वाली सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ पे एक आदमी भी था जिसका नाम ऑस्कर था। ऑस्कर की बेटी का रेप हुआ था, और सबूत की कमी के कारण रेपिस्टों को कोई सजा नहीं हुई थी। उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था, और ऑस्कर को अभी तक अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मिला था। जेनिफर को वहाँ पर एक मार्ला नाम की लड़की भी मिलती है। मार्ला भी एक रेप की विक्टिम थी, और मार्ला के साथ बात करके दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। मार्ला अगले दिन मिलने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। जेनिफर भी अपने घर की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़के फिर से परेशान करने लगे थे। लेकिन इस बार मार्ला वहाँ पर आकर अपनी बातों से ही उन लड़कों का मुंह बंद कर देती है। फिर मार्ला और जेनिफर एक बार में जाकर बातें करने लगते हैं। जेनिफर मार्ला को मैथ्यू के बारे में बताती है, और मार्ला के मुताबिक लड़का जब तक जेंटल रहे ठीक है, लेकिन जब हरास्ट करने लगे तब उसे भी अच्छे से सबक सिखा देना चाहिए, और शायद मैथ्यू उन सभी अच्छे लड़कों में से ही हो सकता है। दोनों फिर कम्युनिटी के लीडर लीन के बारे में भी बातें करते हैं, जो कि रेपिस्टों को माफ करने और रेप को भूल जाने को कहती है, जिस बात से कोई भी लड़की सहमत नहीं थी। मार्ला के मुताबिक लड़कियों को बदला लेना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ज्यादातर न ही पुलिस हेल्प करती है और न ही उन्हें न्याय मिलता है। जेनिफर अपनी सेफ्टी के लिए अपने बैग में हमेशा एक शॉटगन रखती थी। अब उस दिन भी जेनिफर कम्युनिटी में जाती है। इसी दिन कैसी नाम की एक लड़की अपनी कहानी बता रही थी, और कैसी जब 7 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। वो उसकी माँ के साथ में रहती थी, और डिवोर्स के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। उसके बाद में कैसिल की माँ रॉन से मिलती है, और रॉन के साथ रहकर कैसिल की माँ बहुत खुश थी। रॉन सबके लिए एक हीरो बन चुका था। बाकी बातें जेनिफर को मार्ला से पता लगती है। वो बताती है कि कैसिल का स्टेपडैड रॉन कैसिल का रेप करता था, और उसकी माँ को जब ये पता लगा तो उसने कैसिल पर बिलीव नहीं किया, और उसने अपने बेटे के बजाय रॉन पर बिलीव किया। अब भी कैसिल का रेप होता है, और उससे एक साथ ही घर में रहना पड़ रहा है। मार्ला और जेनिफर दिन ब दिन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब एक दिन दोनों कैसिल के घर के बाहर खड़ी थी। वो वहाँ पर रॉन और कैसिल को देखती है कि कैसिल रॉन के साथ में कितनी अनकंफर्टेबल है। कैसिल की माँ को ये सब नज़र नहीं आता है, और यहाँ तक कि रॉन अपने काम की जगह पर भी लड़के को हैरेस करता था। वो दोनों रॉन को सबक सिखाने के लिए पार्किंग लॉट में उसका पीछा करते हैं, और फिर उसको मारकर डराते हैं। दोनों ने मास्क पहन रखा था, और माला उसे डराकर कहती है कि अगर उसने कभी भी किसी भी लड़की को हैरेस किया तो उसे वह दोनों ही मार देंगे, और वो दोनों ही उस पर नजर रखेंगे। रॉन उन दोनों से बहुत ज्यादा डर गया था, और रॉन को डराकर दोनों ही वहां से भाग गए थे। दोनों बहुत खुश थे कि उन दोनों ने एक रेपिस्ट को डराया है और उसे बहुत मारा है। उन्हें लग रहा था कि अब कैसिल के साथ में रॉन कभी भी रेप नहीं करेगा। अब अगले दिन कम्युनिटी में कैसिल सभी को बताती है कि रॉन अब उसे परेशान नहीं कर रहा है, और उसका बिहेवियर अब बहुत चेंज हो गया है। ये सुनकर जेनिफर और मार्ला भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर लीन का कहना था कि वायलेंस छोड़कर रेपिस्टों को माफ करके सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर मार्ला भी उसे बहुत सुनाती है। अब उस रात जेनिफर मार्ला के साथ में घूमने जाती है, लेकिन आज मार्ला को घर जल्दी जाना था।
क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी चीज़ें वापस लेने के लिए उसके घर पर आने वाला था। वो जेनिफर को अपने साथ में चलने के लिए मना करती है और अगले दिन उससे मिलने का वादा करती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड ने ही उसका रेप किया था और वो कुछ दिन जेल में रहकर अपनी चीज़ें लेने के लिए मार्ला से मिलने वाला था। अगले दिन जेनिफर बार में बहुत देर तक मार्ला का वेट करती है, लेकिन मार्ला आज नहीं आई थी। फिर वो कम्युनिटी में जाती है और वहाँ पर लिन से उसे पता लगता है कि मार्ला मर गई है। ये सुनकर जेनिफर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मार्ला के साथ में क्या हुआ है। लिन जेनिफर से अपनी ही बकवास बातें बोले जा रही थी और एक पल के लिए जेनिफर को ऐसा लगता है जैसे कि उसने लिन को बुरी तरह से पीट दिया है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव डिलन आकर उन सभी से बातें करते हैं और मार्ला के बारे में सभी से पूछताछ करने आया हुआ था, लेकिन ऑस्कर उस पर भड़क जाता है क्योंकि पुलिस वालों ने कभी भी उसकी बेटी और बाकी की विक्टिम्स के साथ में न्याय नहीं किया था। उनको बस रेपिस्टो को बचाना होता है और एक रेपिस्टो को सजा नहीं हुई, इसलिए आज मार्ला मारी गई थी। ऑस्कर गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर जेनिफर डिटेक्टिव डिलन के पास आकर बातें करने लगती है। डिलन से उसे पता लगता है कि मार्ला का मर्डर हुआ है और उसका रेप भी किया गया है, पर जेनिफर उसे ये नहीं बताती कि मार्ला परेशान थी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड मार्ला से उसका सामान लेने के लिए वापस आने वाला था। डिलन के मुताबिक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे और वो आसानी से बचकर निकल सकता है। रात को घर जाते समय वही लड़के फिर से जेनिफर को परेशान करते हैं, पर इस बार भी वो उन्हें कुछ नहीं कहती है और इमेजिन करती है कि उसने उन लड़कों को बुरी तरह से मारा है और काटा है, और ये सभी चीज़ें इमेजिन करके वो अपने आप को शांत कर लेती है। अगले दिन जेनिफर को न्यूज़ से पता लगता है कि मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। गुस्से में जेनिफर डिलन से मिलती है और डिलन भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर भी अथॉरिटीज़ का प्रेशर था। जेनिफर उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि सिर्फ सबूत न मिलने के कारण बड़ी आसानी से उस रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। जेनिफर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कानून पर उसे जरा भी भरोसा नहीं था। घर आकर जेनिफर ये डिसाइड करती है कि अब कानून तो रेपिस्टों का गुलाम हो चुका है और वह खुद बाकी की लड़कियों का रेप का बदला लेगी, जिस तरह से उसने अपने रेप का बदला लिया था उन रेपिस्टों से। रात को जेनिफर फिर बार में जाती है जहाँ पर मार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो उसे सेड्यूस करके अपने पीछे लगाती है और दोनों एक अंधेरे रास्ते में आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। जेनिफर पहले उसे वार्न भी करती है पर अपने हवस को वो कंट्रोल नहीं करता और जेनिफर को टच करने लगता है। वो जबरदस्ती जेनिफर के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डालता है, पर जेनिफर उसके प्राइवेट पार्ट को एक चाकू से काट के अलग कर देती है और वो कई बार चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करती है। मार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड दर्द से चिल्लाता रहता है और तब जेनिफर एक हथौड़ा लाकर उस पर कई बार वार करती है जिससे कि वो मारा जाता है। अब तक जेनिफर ने एक रेपिस्टो को खुद सजा दे दी थी, उसके मुताबिक रेपिस्टो की यही असली सजा थी और उसने अपनी दोस्त मार्ला का बदला ले लिया था। अगले दिन ऑफिस में डिटेक्टिव डिलन जेनिफर से मिलने आता है और वो जेनिफर से मार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आता है, जिससे कि जेनिफर को गुस्सा आता है क्योंकि रेप विक्टिम्स के लिए पुलिस कुछ भी नहीं करती है और जब एक रेपिस्ट मरा है तो उसका न्याय दिलाने के लिए पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। शाम को जेनिफर को कम्युनिटी में ये पता लगता है कि कैसिल का स्टेप फादर रॉम फिर से उसका रेप करने लगा है और इस बार तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो गया था। अब तो ऑस्कर भी उठकर कहता है कि ये तो किसी को रोकना होगा, रेपिस्टों को कोई भी सजा नहीं मिलती है और इसीलिए रेपिस्टों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। कैसिल की मां को तो कैसिल की हालत दिखी नहीं रही थी, वो रॉन की ये हरकत देखकर बहुत अनजान बन रही थी क्योंकि उसकी फैमिली न टूटे। जेनिफर अब डिसाइड कर लेती है कि इस बार वो कैसिल को इंसाफ देगी और वो एक स्कूल की टीनेज लड़की बनकर रॉन के पास जाती है। वो उसे एक एड्रेस दिखाकर वहाँ पर पहुँचने को कहती है और रॉन को लगता है कि वो इस लड़की का फायदा उठाएगा और वो जेनिफर को खुद उस पत्ते पर ले जाता है। लोकेशन पर पहुंचकर रॉन खुद उस घर के अंदर जाता है और जेनिफर उसे सेड्यूस करने लगती है। वो वहाँ के बेड पर लेटकर रॉन को अपने पास में बुलाती है और रॉन इसी मौके की तलाश में था। वो इंटीमेट होने के लिए जेनिफर के ऊपर आता है और तभी जेनिफर एक शॉक गन से उसे शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। रॉन को जब होश आता है तो वो एक चेयर पर बंधा हुआ था जिसके नीचे एक होल था और रॉन की पैंट भी उतरी हुई थी। जेनिफर उसके पास में एक मेटल का पाइप लेकर आती है और डर के रॉन ये कहता है कि उसने कैसिल के साथ में कभी भी कुछ नहीं किया है, पर जेनिफर ने तो कैसिल का नाम लिया ही नहीं था और रॉन खुद ही अपनी बातों में फंस गया था। जेनिफर उसके एनल में वो पाइप घुसाकर हथौड़े से मार मार कर उसे और अंदर घुसा देती है और रॉन दर्द से चिल्ला चिल्ला कर मारा जाता है। जेनिफर ने उसे दिखा दिया था कि रेप का दर्द कैसा होता है और उसके बाद में जेनिफर अपने स्कूल वाले कपड़ों को जला देती है ताकि कोई भी सबूत किसी को भी नहीं मिले। अगले दिन पुलिस कम्युनिटी में आकर ऑस्कर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है क्योंकि रॉन को कैसे सजा देकर मारना है वो ऑस्कर ने ही कल कम्युनिटी में कहा था और बिल्कुल उसी तरह से रॉन को मारा गया था। जेनिफर पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव डिलन को ऑस्कर को छोड़ देने को कहती है।
क्योंकि असली मुजरिम तो रॉन था और वो एक रेपिस्ट भी था। फिर भी पुलिस एक रेपिस्ट को न्याय दिलाने के लिए लगी हुई थी। ऑस्कर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो ऐसा मर्डर कर पाएगा, पर डिटेक्टिव डिलन अब ऑस्कर को नहीं छोड़ता है क्योंकि पूरा शक उसी पर था। फिर कुछ समय के बाद पूछताछ करने के लिए ऑस्कर को छोड़ दिया जाता है और जेनिफर उससे मिलने जाती है। दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। वो बताता है कि एक जिम का मालिक था और उसकी बेटी वहाँ की ट्रेनर थी। उस जिम के मालिक ने उसकी बेटी का रेप किया था। उसकी बेटी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी, पर ऑस्कर ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन जब केस शुरू हुआ तो रेपिस्ट का डीएनए नहीं मिला और वो आसानी से छूट गया था और उसकी बेटी को कैरेक्टरलेस का टैग मिल गया था। उसी दिन से उसकी बेटी का विश्वास अपने पिता और कानून से उड़ गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद में ऑस्कर ने रेपिस्ट के जिम जाकर सभी को कहा कि उसने उसकी बेटी का रेप किया है और तब रेपिस्ट ने ऑस्कर पर ही केस कर दिया और तब से ऑस्कर उसके पास उसके जिम नहीं जा सकता था। अब पहली बार जेनिफर अपने रेप के बारे में ऑस्कर को बताती है कि जिन लोगों ने उसका रेप किया उनमें से एक रेपिस्ट पुलिस वाला ही था। ऑस्कर के मुताबिक बच्चों को हम मुसीबत के समय अथॉरिटी पर बिलीव करना सिखाते हैं, लेकिन सही समय पर अथॉरिटीज भी उन्हीं का फायदा उठा सकती है। हवस के सामने कोई भी अथॉरिटी हो वो अपनी जिम्मेदारी भूल के एक रेपिस्ट बन जाता है। अब उसी रात जेनिफर उसी जिम ट्रेनर का पीछा करती है जिसने ऑस्कर की बेटी का रेप किया था, पर उस रेपिस्ट को पता लग जाता है कि जेनिफर उसका पीछा कर रही है। जेनिफर उसे शॉटगन से शॉक देने वाली थी, लेकिन वो रेपिस्ट एक ही बार में उसे मारकर उसे हल्का सा बेहोश कर देता है और इतने स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने जेनिफर का बस नहीं चलता है। वो जेनिफर के कपड़े फाड़ कर उसका रेप करने ही वाला था कि तभी जेनिफर किसी तरह अपनी इलेक्ट्रिक गन उठाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। जेनिफर भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो रेपिस्ट उस इलेक्ट्रिक गन से उसे शॉक देकर जेनिफर को ही बेहोश कर देता है। फिर वो जेनिफर का रेप करने वाला था कि तभी डिटेक्टिव डिलन आकर उसे गोली मार देता है। जेनिफर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जा रही थी। जेनिफर की बातों पर पुलिस उस पर ही शक कर रही थी। वो रेपिस्ट ही उसका पीछा कर रहा था, ऐसा जेनिफर पुलिस को बता रही थी। पर पुलिस को पता लग गया था कि वो एंजेला नहीं जेनिफर है और पुलिस जेनिफर का कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जेनिफर के खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं था। तब वहाँ पे ऑस्कर आता है और सारे मर्डर के इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। ऑस्कर वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपने हाथों की नसें काट ली थी। ऑस्कर के मुताबिक जेनिफर ने रेपिस्टों को मारकर सही किया था और वैसे भी कानून कुछ नहीं कर सकता था। ऑस्कर को जेनिफर के बारे में सब कुछ पता था और इसीलिए उसने जेनिफर का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया था ताकि आगे भी जेनिफर रेपिस्टों को सजा दे पाएगी। और कुछ ही समय में ऑस्कर मारा जाता है। ऑस्कर की मौत पर जेनिफर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो डिटेक्टिव डिलन को भी बहुत सुनाती है। वो कहती है कि पुलिस वाले भी रेपिस्ट से कम नहीं थे और जेनिफर के लिए वो उनका साथ देते हैं। अब जेनिफर बस एक ही बात को मानती थी कि अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हमें खुद जस्टिस छीनना होगा और कोई भी कानून हमें जस्टिस नहीं दे सकता था। रात को जेनिफर फिर से अपने शिकार को सजा देने के लिए जा रही थी, पर उसे पता लग जाता है कि पुलिस उस पर नजर रखे हुए है और घर पर वापस आकर वो चीजों को गुस्से में तोड़ देती है। फिर वो एक रेड ड्रेस पहनकर चुपके से अपने घर से निकलकर शिकार को ढूंढने लगती है। वो मैथ्यू के कार के सामने खड़ी हो जाती है और वो उसके साथ में ड्रिंक करने को मैथ्यू से पूछती है। जेनिफर जो कि लड़कों से दूर रहती थी, मैथ्यू उसे इस तरह से ऐसी ड्रेस में देखकर शॉक हो गया था। अब जेनिफर मैथ्यू को अपनी बातों में सेड्यूस करने लगती है, पर मैथ्यू ऐसा लड़का नहीं था, वो सचमुच में जेनिफर से प्यार करता था। अचानक जेनिफर एक चाकू निकाल देती है, पर मैथ्यू डर के वहाँ से चला जाता है। जेनिफर फिर उसी पार्क में जाती है जहाँ पे वे लड़के उसे हमेशा परेशान करते थे। तभी वही लड़का वहाँ पर आकर जेनिफर को परेशान करने लगता है, पर आज जेनिफर का बिहेवियर देखकर वो लड़का भी थोड़ा डर गया था। अचानक जेनिफर उस पर चाकू से हमला कर देती है और वो लड़का भी उसे मारकर गिरा देता है। वो जेनिफर का रेप करने वाला था कि तभी डिटेक्टिव डिलन आते हैं और मौका मिलते ही जेनिफर उस लड़के के ऊपर चढ़ के उसे चाकू से मारने वाली थी। फिर तभी डिटेक्टिव डिलन गोली चला देते हैं और ये सीन यहीं पर ब्लैकआउट हो जाता है। अब कहानी फिर से उसी जगह पर आती है जहाँ पर जेनिफर अपनी स्टोरी थेरेपिस्ट को बता रही थी। जेनिफर ने जेल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मतलब कि उन सभी रेपिस्टों के मर्डर के लिए जेनिफर को सजा मिल गई थी। फिल्म में जो कुछ भी चल रहा था वो कुछ महीने पहले की कहानी थी और जेनिफर थेरेपिस्ट को बता रही थी, पर थेरेपिस्ट के लिए सब कुछ जेनिफर की ही गलती थी और रेपिस्टों की कम गलती थी। जेनिफर ने अपनी मुसीबत के समय से कुछ नहीं सीखा, लेकिन जेनिफर को पता था कि वो क्या कर रही है। किसी ने भी रेप की विक्टिम और उसकी मदद नहीं की थी और इसीलिए कोई कानून और कोई थेरेपिस्ट उसकी सोच नहीं बदल सकता था। जेनिफर बाहर आती है और थेरेपिस्ट से टी निकालकर उसे रेपिस्ट बना देती है क्योंकि थेरेपिस्ट की सोच भी रेपिस्ट जैसी ही थी। बाहर आकर दो कैदी लड़कियों से जेनिफर का झगड़ा हो गया था और वो उन सभी को मार देती है।
थेरेपिस्ट भी जब बाहर आती है तो उसका गला भी काटकर जेनिफर उसे मार देती है और अब जेनिफर को ऐसा करने में मजा आने लगा था। जेनिफर की सीधी साधी लाइफ रेपिस्ट और कानून के फालतू नियमों ने बर्बाद कर दी थी। जेनिफर जो कि एक सिंपल सी राइटर थी वो अब एक साइको किलर बन गई थी, क्योंकि औरत की अगर इज्जत चली जाए तो उसे किसी का भी डर नहीं होता है और वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, ये तीनों मूवीज बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि लोगों की आंखें खोल सकती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि रेप की विक्टिम के साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है।